7 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 स्पेसशिप 8 दिनों के बाद धरती पर वापस लौटा। यह आखिरी बार था जब कोई चांद पे गया था। अपोलो 17 से पहले पिछले कुछ सालों में इंसान 5 बार चांद पे जा चुका था, लेकिन 1972 के बाद ऐसा क्या हुआ था कि नासा चांद पे वापस गया ही नहीं? तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे सबूत रखूंगा जो यह बताते हैं कि नासा एलियन की वजह से चांद पर। 16 जुलाई सन 1969 को अपोलो 11 को लॉन्च किया गया। सारी दुनिया की निगाहें इस मिशन से जुड़ी हुई थी क्योंकि इंसान पहली बार चांद पर कदम रखने वाला था। ह्यूस्टन टेक्सास में स्थित नासा का कंट्रोल सेंटर एस्ट्रोनॉट से 24 घंटे कांटेक्ट में था। एस्ट्रोनॉट और कंट्रोल रूम के बीच होने वाली बातें टीवी और रेडियो पर लाइव दिखाई और सुनाई जा रही थी। बीच में पब्लिक को सुनने वाली और 2 मिनट की बातें काट दी गई। ऐसी क्या बातें नील आर्मस्ट्रांग और कंट्रोल रूम के बीच में हुई जो आम आदमी से छिपानी पड़ी? हैकर्स ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने नासा की कंप्यूटर को हैक करके उस 2 मिनट का कन्वर्सेशन का पता लगाया, जो कि इस प्रकार है। इस कन्वर्सेशन के मुताबिक नील आर्मस्ट्रांग कह रहे थे कि चांद की दूसरी तरफ एक एलियन स्पेसशिप लैंड हुआ है और वो हमें भी देख पा रहे हैं। ऐसी ही एक और घटना एक और अपोलो मिशन के दौरान घटी, लेकिन इस बार उस आवाज़ को उसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया गया, जो कुछ इस प्रकार है। UFO एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांद पर एलियन सिविलाइजेशन रहती है जो अर्थ को 24 घंटे मॉनिटर करती रहती है। चांद पर ली गई फोटो को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसे एडिट किया गया हो। जैसे कि ये एस्ट्रोनॉट की फोटो चांद पर ली गई है, लेकिन अगर हम इस फोटो का एक्सपोजर हटा दें तो पीछे एक रहस्यमय चीज उभर के नजर आती है। बहुत से नासा का अधिकारी का यह दावा करते हैं कि उन्हें नासा ने साफ तौर पर कह रखा है कि अगर उन्होंने नासा की कोई भी गुप्त बात मीडिया से शेयर की तो यह अच्छा नहीं होगा। एलियन थ्योरिस्ट का कहना है कि नील आर्मस्ट्रांग ने अपने पर्सनल डायरी में एलियन के साथ हुई उस घटना का जिक्र किया है। उनके अनुसार नील आर्मस्ट्रांग ने अपने डायरी में यह लिख रखा है कि एलियन नहीं चाहते कि इंसान चांद पर जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है ही कि इंसान 50 साल से पिछले चांद पे क्यों नहीं गया या फिर नासा क्यों नहीं गया।